Hello students, this is the session in which we are beginning with the question and answer of the first lesson, the last lesson. These are the very questions from the text which are short answers, and I have tried my best to make its answers very simple and effective. What was France expected to be prepared विथ फॉर स्कूल दैट डे? तो आप सबने स्टोरी पढ़ी होगी, आपको आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है. फ्रांस जो है वो उस दिन स्कूल जाने के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को. दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स गिवन बाय हिज टीचर एम हैमल हु वुड क्वेश्चन देम ऑन दिस टॉपिक. सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये बताया हुआ है कि फ्रांस जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको अपना लेसन प्रिपेयर करना है जो पार्टिसिपल्स के ऊपर है, जिसको एम हैमल जो उनके टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, उन्होंने उनको ये होमवर्क जो है ये दिया हुआ है. तो वो डेफिनेटली उसको एम हैमल जो है वो उनको क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर. सेकेंड क्वेश्चन इज What did France notice that was unusual about the school that day? France जो है वो क्या notice करता है कि school में आज कुछ जो है वो unusual सा है, जो routine में नहीं होता. France noticed the absence of the routine commotion caused by the opening and closing of desk, repeating of lessons in unison and rapping of the teacher's ruler on the table. Everything was still and silent as on a Sunday morning. So it was noticed by France something is absent today. The hustle and bustle of the school is not there. So France जो है वो सारी चीज़ें repeat करता है कि जो routine में एक noise होता है वो यहाँ पर आज नहीं था. डेस्क जो बच्चे ओपन और क्लोज़ करते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग की जो आवाज़ आती है स्क्रैच होने की, वो आवाज़ नहीं आ रही है. लेसन्स जो हैं वो सारे क्लब होके बोलते हैं, यूनिसन में बोलते हैं, आज वो भी नहीं था. टीचर का जो रूलर है वो रैप थंप करता है टेबल के ऊपर, आज वो भी मिसिंग था. तो हर चीज़ जो है वो साइलेंट लग रही थी और बहुत ज़्यादा स्टिल थी, मोशनलेस थी. ऐसे मान लो लग रहा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो. व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? द नोटिस बोर्ड और द बुलेटिन बोर्ड और द न्यूज़ स्टैंड नोटिस्ड और नोटिफाइड द जनरल पब्लिक एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो ये नोटिस बोर्ड जो है उसके ऊपर क्या लिखा था? नोटिस बोर्ड के ऊपर ये लिखा था, लोगों को नोटिफाई किया था कि एक ऑर्डर जो है वो बर्लिन से रिलीज़ हुआ है, और यहाँ पे उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जर्मन लैंग्वेज जो है वही बच्चों को पढ़ाई जाएगी कहाँ पे, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुई? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे. इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स. एम हैमल द क्लास टीचर वॉज ग्रेटली एजिटेटेड एंड बिकेम मोर सिंपैथेटिक. नाउ ऑनवर्ड्स द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन वुड बी टॉट द जर्मन लैंग्वेज. सो the reason for the great dismay or the great distress or the sadness in the school that day, क्या reason था उदास होने का? क्योंकि जो order बर्लिन से आया था उसमें यह लिखा था कि जो German language है is to be imposed on the schools of Alsace and Lorraine. उसकी वजह से जो French teacher था M. Hamel, जो France के teacher थे, class teacher थे, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और सैड होने के बाद वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काइंड बिहेव करते हैं, सिंपैथेटिक हो जाते हैं, और स्कूल में
उसके बाद मतलब अगले दिन से एलसीएस और लॉरेंट के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी. तो दिस वाज ऑल द रीज़न फॉर गेटिंग डिसमेड. ओके, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल वर टोटली चेंज नाउ. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड पेट्रियोटिक फीलिंग इन हिम. ही रियलाइज्ड हिज बुक्स एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड सडनली ग्रू रिस्पेक्ट फॉर एम हैमल, इवन फॉरगेट अबाउट हिज टेरिबल रूलर. मोर ओवर ही इग्नोर्ड हाउ क्रैंकी मिस्टर एम हैमल वॉज. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि फ्रांस की जो फीलिंग्स थी एम हैमल के बारे में या स्कूल के बारे में, वो कैसे चेंज हो गई. तो फ्रांस की फीलिंग्स जो है एम हैमल और स्कूल के लिए, वो टोटली चेंज हो जाती हैं जब उसको ये अनाउंसमेंट पता चलती है कि बर्लिन से ऑर्डर रिलीज़ हुए हैं, हमारे क्लास टीचर कल से हमें फ्रेंच लैंग्वेज में कोई भी लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं. तो टुडे व्हाट वी आर रीडिंग और गेटिंग द नोट्स फ्रॉम आर टीचर, इट इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. सो उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी जो बुक्स हैं नाउ दे आर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, और एकदम से उसको जो रिस्पेक्ट है एम हैमल के लिए वो जाग जाती है उसके मन में. एम हैमल जो है उनके बारे में वो ये भी भूल जाता है कि कितना टेरिबल रूलर लेके वो अपने पास मतलब बच्चों को डराया करते थे. मोर ओवर इसके साथ ही फ्रांस को ये भी भूल जाता है या फिर वो इग्नोर कर देता है कि एम हैमल पहले कितने क्रैंकी थे, कितने एक्सेंट्रिक थे या फिर कितने संकी टाइप के इंसान थे, अभी वो कितने काइंड हैं. तो ऑल दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. यो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं, और आई थिंक अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 2 to 3 marks आप इनमें आराम से कैरी कर सकते हो. फॉर गेटिंग गुड मार्क्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर राइटिंग द नेम ऑफ अ प्लेस और एनीथिंग विच यू आर स्टार्टिंग इन द आंसर, यू हैव टू राइट इन कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल वर्ड, दैट वेरी वर्ड विद कैपिटल अल्फ़ाबेट. आई थिंक किसी भी कैरेक्टर का नाम लिख रहे हो और किसी भी प्लेस के बारे में लिख रहे हो, जैसे एलसीएस और लॉरेन का नाम है इसमें, या फिर आप फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लिख रहे हो, तो ये फ्रेंच जो है ये एफ़ जो है इसमें कैपिटल होगा. फ्रांस जो कैरेक्टर है मेन, जिसके ऑल अराउंड ये स्टोरी घूम रही है, उसका नाम स्टार्ट करोगे तो देन एफ़ कैपिटल यू हैव टू राइट. जब आप एम हैमल का नाम लिख रहे हो तो एम डॉट एच जो है ये दोनों वर्ड कैपिटल में आएंगे. तो एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू गेट गुड स्कोर इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट. होप सो ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ये आपको पसंद आया होगा. जस्ट लाइक द वीडियो एंड आई विल बी मेकिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू आफ्टर दिस सेशन. इन्जॉय योर ऑनलाइन क्लासेस, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. Be happy.